जिस तरह अब इंडिया जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो इंडिया की तरफ से जो कत्लो गारत और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए। आटे के लिए लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमने वो कश्मीर हासिल करना, उसको भी हासिल करके हम जैसा बनाना, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनके तो इकोनॉमिक ही अपने से बहुत ऊपर है। खड़े होकर फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला यहाँ पर पाकिस्तानी होगा वो उसको लगेगा कि आप प्रो इंडियन है। चंगे देखिए गाइस, मैंने थोड़ा जस्ट दो पॉइंट बताए ने, इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। तो कश्मीर लिख के दे दो उन्हें कि भाई जान ले लो कश्मीर, हमारे साथ तजारत कर लो। का पर्पस ये है कि कश्मीर एक तरफ हमारे पास है, दूसरा तरफ इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, इंडिया के पास कश्मीर जिसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। सर वहाँ पर हम देखते हैं कि डेवलपमेंट ज़्यादा होती जा रही है। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर, न्यूज़ आपने भी पढ़ी होगी, अभी पाकिस्तान के अंदर भी वो न्यूज़ बहुत ट्रेंडिंग पर जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है जम्मू एंड कश्मीर में। क्या समझते हैं कि हमारे पास जो कश्मीर, हमने उसमें कितनी डेवलपमेंट की हुई है आज तक? आप कश्मीर को छोड़ें, पहले आप मुझे ये बताएं कि आपने बलूचिस्तान में, सिंध में और पंजाब में आज तक क्या डेवलपमेंट कर ली है? आपकी गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या इंडस्ट्री लगाई है? अब मुझे इस बात का जवाब देना। आप चाह रहे हैं कश्मीर में करें, आप देखें कि 120 अरब उन्होंने ना अकेला जम्मू कश्मीर का बजट निकाला है इस दफ़ा, आपका पंजाब का बजट नहीं है इतना। यहाँ पे तो आटे के लिए लोग मर रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हमने वो कश्मीर हासिल करना, उसको भी हासिल करके हम जैसा बनाना, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। उनके तो इकोनॉमिक ही अपने से बहुत ऊपर है। यहाँ पर तो हम तो कहते हैं कि कश्मीर हमारा शारक है, यहाँ पर कश्मीर योम कश्मीर डे मनाया जाता है और हम बाहर निकलते हैं योम यकजहती का इजहार करते हैं, तो ये सब आप क्या समझते हैं, सही नहीं हो रहा? देखो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पे हैं, ठीक है, उनको वजारतें भी मिली हुई हैं, वो खेल भी रहे हैं, कई से प्लेयर्स ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, कई से उनके वजीर ऐसे होंगे जिनको आप जानते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ पे ज़िंदा नहीं है? है ना जिंदा। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो इंडियन हैं लेकिन वो भी वो कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वहाँ पे। हम तो कहते हैं कि वहाँ पर मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म है। देखो वो तो मीडिया है ना, जो आपको मीडिया ने दिखाना आपने आपके जहन में वो आ जाना, ठीक है। अब आप कहोगे जी यहाँ पे सिंध वाली साइड पे आपको हिंदू जो हैं ये नहीं मारते, हालांकि सिंध वाली साइड पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँगा वहाँ पर भी अगर आप किसी भी, आपने कहीं पर भी लड़ाई करवानी है ना, आप मज़हब के ऊपर किसी को भी कत्ल कर सकते हो, ये बात है, ठीक है। अब मुसलमान को लड़ाई करवानी हो, वो कहते हैं जी मस्जिद के अंदर सूअर फेंक दो तो मुसलमान और हिंदू की लड़ाई हो जाती है आपस में, या हिंदू को लड़ाना हो तो उनको कोई चिकन वगैरह खिला दिया जाए तो उनसे लड़ाई हो जाती है। तो आप ये है ना कि आपके सामने हालात हैं, आप देख लें कि यहाँ पे 500 वाली चीज़ 1500 रुपये में मिल रही है जो आपको, ठीक है। अब वो वहाँ पे उसके और हमारे कंपैरिजन में कोई चीज़ तो नहीं है ना। आप यहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री खोलते हैं, आपके पास 100 बंदे आएंगे जिन्होंने जी हराम खाने के लिए पैसे मांगने आपसे, इंडिया में ऐसे कोई भी नहीं आएगा आपके पास जिन्होंने हराम खाने के लिए पैसे लें। वो तो कह रहे हैं कि लगाए इंडस्ट्री यहाँ पर, और यहाँ पर कहते हैं जी पहले सियासतदानों को खिलाएँ फिर ब्यूरोक्रेट को खिलाएं, अगर बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगानी है आपने तो फिर कहीं जाकर आप इंडस्ट्री में स्टैंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर खड़े होकर फैक्ट एंड फिगर्स बता रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला यहाँ पर पाकिस्तानी होगा वो उसको लगेगा कि आप प्रो इंडियन है। किसको क्या? वो प्रो इंडियन वाली बात नहीं है, बात आपके सामने आप देख लें, ये जिस तरह के नून लीग ने कहे कि यार जब हम जाएंगे $500 का हो जाएगा। अब $500 होने का मतलब है कि ये महंगाई 100 गुना ज़्यादा कर देंगे, 250 का है फिर 500 का चला जाएगा, तो आप देख लो 500 वाली चीज़ 1500 की है, 1500 से 3000 रुपये वो चीज़ चली जाएगी। मतलब कि वहाँ पर जो उनकी गवर्नमेंट है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, उसने काबू पा लिया हुआ महंगाई के ऊपर, मतलब स्टेबल कर लिया इंडिया को। भाई काबू उनकी कौन यार, आप फिर वो देखें कहाँ जा रहे हैं, इंडिया चाइना एशिया की सबसे दो बड़ी इकोनॉमिक हैं, ठीक है, ऐसे ही हैं, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड हो रहा है उनमें, कहीं हो सकता है ये स्टैंड? आप कहते हैं कि पांचवी बड़ी मशीन बनी है, वो ये देखें ना आप कहाँ जा रहे हैं, उनका क्यों जा रही हैं? क्योंकि उनकी आईटी टेक्नोलॉजी उनको लेके जा रही है, 80% तक उनका बजट आईटी कवर कर रही है उनकी। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ग्रेजुएशन तक वो किताबें पढ़ाई जा रही हैं जो कि इंटर में पढ़ लेनी चाहिए तुम लोगों को। इससे पहले कोई बात करने लगे कि आप इंडिया कहते हैं कि जी हमने हासिल कर लेना, आप तो यहाँ उनके साथ 15-20 दिन जंग कर लेंगे, पीछे से मर जाएंगे आपके भूख वाले सारे। सही बात, मसला तो ये है ना। बिल्कुल सही। तो अभी जिस तरह के हमारे हालात हैं, हमारे अगर आपको कौन क्या लगता है कि कौन सा पॉलिटिशियन आएगा तो इन मुल्क के भागदौड़ को संभालेगा और जो कि हमें लगता है कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा? ये आगे 10 साल तो नज़र होता हुआ नहीं आ रहा कि तरक्की की राह पे गामजन होगा जो कि हालात हैं इनके। आपने भी मुतालिया पाकिस्तान या सोशल स्टडीज़ जिसको कह लें हम कहते हैं, उनमें पढ़ा होगा जी पाकिस्तान एक सनती मुल्क है या ज़रई मुल्क है जी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये है, यहाँ पे देख लो आटे नहीं मिल रहे यार लोगों को,
आप खुद भी घर से जब निकल जाओगे आटा लेने, चार पांच दुकानों से पता है कि आटा ही नहीं है, जहाँ से मिल रहा है जी 1600 रुपए किलो मिल रहा है, 1800 मिल रहा है, 2200 मिल रहा है, अब तो मेरे ख्याल से वो भी 3000 रुपए के पास रेट चला गया उसका। इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पर 25 रुपए केजी आटा मिल रहा है और हमारे पास 180 का मिल रहा है, क्या वो 25 को छोड़कर 180 के पास आएंगे मौजूदा जो सिनेरियोस है पाकिस्तान के? देखें यार, देखो पाकिस्तान और इंडिया की मेन लड़ाई है कश्मीर, ठीक है, मैं तो कहता हूँ कश्मीर लिख के दे दो उन्हें कि भाई जान ले लो कश्मीर, हमारे साथ तजारत कर लो, वहाँ से हमारे बॉर्डर खोलो, हमारे साथ आओ तजारत करते हैं, तुम यहाँ से चीज़ें भेजो, हम यहाँ से चीज़ें भेजते हैं, कुछ खोलो तो सही ना। अभी बाजवा भी यही बोल रहे हैं, हम यार होने ही ये चाहिए, दे दो कश्मीर उनको, अभी भी तुम लोगों के पास कहाँ है कश्मीर, सारे ग्लेशियर तो उनके पास है, पानी तो आपका वहाँ से आ रहा है, अभी तक तो ले नहीं सके, तुम 75 साल हो गए हैं और तुम लोग कह रहे हो जी कश्मीर लेना हमने, या तो उनको अलहदा आज़ाद कर दो या उनको दे दो कि भाई ला 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 यार तू कश्मीर ला ला, मतलब हल यही है, हल यही है, क्यों मारना तुम लोगों ने उनको भी हमको भी, कश्मीर दे दो उनको, कश्मीरी खुद होने चाहते हैं यार अब तो उनके साथ। फॉर एग्जाम्पल के अभी हम जंग करते हैं तो क्या हम इस कैपेबल हैं कि इंडिया से जंग जीत सकें? अब माशर्ती जंग की बात कर रहा हूँ मैं, एटमी जंग की बात नहीं कर रहा। नहीं बिल्कुल भी नहीं, आप भी समझदार है किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका मुल्क है इस मुकाबले में कि आप उनके साथ जंग कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत अच्छा है, देखो गाइस पाकिस्तान के एक एजुकेटेड मेरे पास स्टूडेंट मौजूद थे, उनकी राय आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, थैंक यू सो मच बॉय, वेरी नाइस। नाम आपका? जुनेद महमूद। क्या करते हो? मैं अकाउंट्स में होता हूँ zameen.com में। अच्छा ज़बरदस्त हो गया, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कश्मीर के रिलेटेड, जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि ऑस्ट्रेलिया के कमिश्नर्स हैं, बड़े बड़े कमिश्नर जो कि विजिट करने जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं। अगर मैं बात करूं इंडिया के पास जो कश्मीर है वहाँ पर अगर मैं दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है, G20 की मीटिंग वहाँ पर हो रही है, अभी वर्ल्ड कप भी वहाँ पर हो जाए होने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी कश्मीर के अंदर बनने जा रहा है आने वाले टाइम के अंदर, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं, दुनिया का सबसे ऊँचा रेलवे है, आप बताइएगा कि हमारे पास क्या ऐसा है कश्मीर के पास जो कि हम दुनिया को बता सकते हैं? कश्मीर हमारा जो है वो एक तो सबसे बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है, वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहाँ पर विज़िट करने के लिए, हम लोग भी बाज़कात यहाँ से छुट्टियाँ मिलती हैं तो यार चलो यार वहाँ पर जाते हैं ज़रा घूमने वगैरह के लिए, तो ये हमें इकोनॉमिकली बहुत एक हेल्प कर सकता है, जिस तरह अब इंडिया जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो इंडिया की तरफ से जो कत्लो गारत और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, मगर वो लोग दरिंदे बन चुके हैं, और इसलिए हमारे कश्मीर में जो जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है उसमें भी स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर भी लोग जाते हुए टूरिज्म जो यूरोप से या यहाँ से आते हैं वो लोग भी कहते हैं कि यार हमें लगता है वहाँ पर जो सर उस तरह की सिचुएशन है, जो इसलिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ कंट्री के लिए। आपको लगता है कि वाकई में जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मतलब के हालात बहुत ख़राब है, वहाँ पर कत्लो गारत हो रहा है? हाँ डेफिनेटली, हमारे आपको बताया कि वहाँ पर अगर कत्लो गारत हो रहा होता तो क्या MR जैसी बड़ी कंपनी दुनिया का एशिया का सबसे बड़ा मॉल कश्मीर के अंदर बनाती इंडिया के कश्मीर में? नहीं, अब ये आप बताइए कि G20 के मीटिंग क्या इंडिया कश्मीर के अंदर रखवाता, वाकई में हालात इतने ख़राब होते? नहीं, अब ये इसमें हमारे पास तो जो लोग वहाँ पर LOC के पास रहते हैं वो लोग बताते हैं यार आए दिन वहाँ पर शेलिंग हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है, हम लोग तो वो बताते हैं ना जो ट्रू पिक्चर। इस फायर है, फायरिंग तो बंद हुई पड़ी है? नहीं, बाज़कात होती है वहाँ पर, हमारे ऑफिस में लोग हैं जो जिनके एल्डर्स वहाँ पर रहते हैं वो इस तरह के बातें कर रहे थे। सीज फायर हुआ तब से नहीं हो रही, फिर ये अभी हो सकता है करंट वगैरह कुछ सिचुएशन तरह की चल रही हो, मतलब कि आपके पास इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है इस हिसाब से? हाँ। मतलब कि जो आपने देखा या सुनी बातों पर आप यकीन कर रहे हैं? हाँ। आपको मैं बताना चाहूँगा कि एक जगह पर जहाँ पर जुल्म और ज्यादती होती हो वहाँ पर लोग खड़े खड़े लोगों को गोली मार देते हो, कत्लो गारत कर देते हो, क्या वहाँ पर डिवेलपमेंट हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल के पाकिस्तान पूरे में कर्फ्यू लगाओ, क्या कोई बाहर से कोई कंपनी आकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी? नहीं नहीं करेगी, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर में इतनी कत्लो गारत होती है तो वहाँ पर बाहर से लोग जाके इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं? ये एक अच्छा पॉइंट है आपका, अच्छा पॉइंट है ना, वैलिड पॉइंट है, ये पूरे पाकिस्तानियों को ये पॉइंट कब समझ में आएगा? ये जब मीडिया जोन सी है ना वो कोई अपना क्या कहते हैं अच्छा इकदाम उठाएगी, क्योंकि हमारे पास भी एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, सबसे जो बेहतरीन अगर हर चीज़ बंदा क्या मांगता अल्लाह ताला से यही मांगते हैं ना कि भाई हमारे में हुक्मरान अच्छे दे दे हमें, और हमें जो खाने पीने की चीज़ें हैं गाड़ी सस्ती हो जाए, मोटरसाइकिल सस्ती हो, तेल सस्ता हो जाए, यही मांगते हैं ना? बिल्कुल। आपको पता है कि कश्मीर के अंदर आटा कितने का केजी मिल रहा है? नहीं, 25 रुपये केजी और यहाँ पर 160 रुपये। तो हमें तो वहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहिए सारा, मतलब लेके आना चाहिए पाकिस्तान में, यहाँ पर सब। और
और यहाँ पर ये बताए, महंगाई तो अगर जुल्म करना हो तो फिर मुसलमानों पर पूरी तरह जुल्म करें ना, फिर आटा बंद कर दें उनका, रोटी बंद कर दें, खाना पीना बंद कर दें, ज़िंदगी के वसाइल बंद कर दें, फिर वो तो इंडिया तो बड़ा नासमझ है आपके ख्याल में, क्या ख्याल है? उसको तो जुल्म करना ही नहीं आता। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है ना। अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए गाइस, मैंने थोड़ा जस्ट दो पॉइंट बताए, इन्हें इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया। जो चीज़ें आप देख रहे थे, जो चीज़ें सुन रहे थे, क्या लगता है कि आपको जो कश्मीर के बारे में, जो इंडिया के पास जो कश्मीर है उसके पास जो बताया जाता है वो सही है, सब सही है? नहीं, क्योंकि हमारी जो क्या कहते हैं बुक्स हैं उसमें हम हीरो हैं, उनकी बुक्स में वो हीरो है। तो इसमें मीडिया का जो है वो ये सबसे बड़ा इकदाम है कि जी जो हमें दिखाया जाता है हमें तो वही पता चलना है ना। रियल पिक्चर जो है वो जब तक नई मीडिया दिखाएगी तो कैसे। अभी क्या